Ladies and gentlemen, join your hands together for the influencer of the influencers, the OG, the GOAT, who is making the Indian dream possible for millions of Indians, the creator of New Bharat, Honorable PM Narendra Modi ji. Thank you, Raj Shemani. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इन पुरस्कारों के लिए चार सदस्य जूरी में से दो माननीय सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं. मैं मंच पर रूपाली गांगुली जी और प्रसून जोशी जी को आमंत्रित करती हूं, जो जूरी मेंबर्स हैं. और अब अति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरण का शुभारंभ किया जाएगा. माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करती हूँ, कृपया पुरस्कार वितरण का शुभारंभ करने के लिए मंच पर आगे आएं. द फर्स्ट कैटेगरी, द अवार्ड फॉर द न्यू इंडिया चैंपियन, द अवार्ड गोज टू अभी एंड न्यू. They are pioneers in shaping the perspective of New India. Through their insightful content and wide range of topics, they have raised awareness for New India. Hello. हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए. तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए. इसीलिए अभी और न्यू, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि ये थोड़ा साहस का काम है. मैं भी पब्लिक मीटिंग में जाता हूँ और जब आर्थिक विषय और आंकड़े बोलता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है. कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मजा. मीडिया वाले भी, रिपोर्ट में सीरियस नेचर की बात करूंगा तो कभी नहीं करते. वो हंसी मजाक की कोई बात होगी तो बढ़िया रिपोर्ट करते हैं. आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ, आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को. थैंक यू सर, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए. आपने फिर चैलेंजिंग चुना है लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है. मेरी तरफ से बहुत बधाई. एंड द बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड, द अवार्ड गोज टू Kritika Govindaswamy, known as Kirti History. She educates about the real history with unique perspective, gaining popularity for her engaging approach to Indian history. Oh ho, Baba, panic. देखिए, वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं, देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं. कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है. मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं और उसमें भी अब कोई बेटी. थैंक यू सर. मैं सुनना चाहूंगा आपके विषय में कुछ. अनसोगी, मुझे हिंदी समझ कर सकती हूँ बट बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है. आपको जो मर्जी पड़े बोलो. ये देश बहुत बड़ा है, किसी न किसी कोने में तो आपको सुनने वाला मिल ही जाएगा. एलाको वनकुम, आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट
a honorable prime minister for the fact that you have taken up Tamil in a lot of stages and you said like Tamil. So I must start with Vanakkam. Yeah, Vanakkam. So I'm really grateful for that. I always felt like it lacks a national platform which you brought here. So I'm really grateful for that, sir. I'm so honored. I'm just shaking. I don't know what to say. Thank you so much. Ne aapko anubhav kya aa raha hai jab aap kyunki itihas se kuch ghatnaen uthati hai aur bada ab to jahan se ye kaam kar rahi hai thoda takleef wala ilaka hai to kya feel karte hain aap? I would say it's little complicated since you know history and politics are like interconnected, so it's like I get a lot of troll also, but that's fine. It's just share with the facts and all. टीनेजर का जो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा अपना समय यहां बिताता है, मतलब आप लोगों के लिए वो समय इकट्ठा करता है, उनको कौन सी चीजें ज्यादा अपीलिंग लगती है? दे लाइक एक्चुअली इन माय ऑडियंस आई हैव अ लॉट ऑफ टीनेजर्स एंड दे रियली वॉच थिंग्स. इन सब के वो सारे खिलाड़ी टीनेजर्स ही है. दैट्स ट्रू. So they really like things about the stories which talks the greatness of India. So that kind of stories they really like a lot. Unko acha lagta hai. Yeah, yeah. People really feel proud of it. Bahut seva kar rahe hain aap desh ki. Thank you. All the best. So big applause for Kritika Govindaswamy. And the next category is Disruptor of the Year Award. स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया. We know him as Beer Bison. He focuses on fitness, spirituality and lifestyle through his The Ranveer Show. बधाई हो. तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए. तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है. तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो. नहीं सर, मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है. आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं. कभी आप, मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है. क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा. मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछना, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं. नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए. मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्त भोगी हूं. मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं. मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूं. लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं. मेरा जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है. कभी उस पर सोचिए ना जी. जी, योग निद्रा करनी चाहिए. योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए. देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां है, नहीं हो पाती, तो नींद योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है. आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर. अरे वाह. चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई. All the best. Thank you.